छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को यह कंफ्यूजन है कि भारत राष्ट्र है कि नहीं, ऐसे लोग राष्ट्रवाद पर क्या बात करेंगे। रमन सिंह रायपुर के बीजेपी कार्यालय के एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान हमला बोल वहीं मोदी सरकार की उपलब्धियों को कमाल बताया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, केंद्र के नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ा है, विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आया है। कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने की वजह से बाहर से आयातित लोगों को बुलाया जाता है। इनका यही चिंता करना चाहिए उनको कि योग्य आदमी तैयार करें। आज तो राहुल गांधी के एक प्रश्न ही आपका जवाब है कि उनको ये कन्फ्यूजन है कि भारत राष्ट्र है कि नहीं, तो क्या राष्ट्रवाद की बात करेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रतिद्वंदी है। कांग्रेस कहीं ऐसा लगता नहीं कि दूसरे स्थान में भी पहुंच सके। उत्तर प्रदेश में उसकी हालत तीसरे चौथे पांचवे में आ गया है, बिहार में वो तीसरे चौथे नंबर में आ गया है, बड़े बड़े राज्यों में उनका अस्तित्व रहा नहीं, पश्चिम बंगाल में वो चुनाव से पूरी तरह से बाहर हो गए। यानी बड़े राज्यों में कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो चौथे और पांचवें जगह के लिए संघर्ष कर रहा है। आज वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना सकता, यह स्थिति कांग्रेस की है पूरे देश में।